हेलो फ्रेंड्स, ये चने की दाल है कटोरी। हमने भिगो दिया था इसको ओवरनाइट और आज इसकी हम सब्जी बनाएंगे, पकौड़ी बना के, वो भी ऑयल फ्री। जब भी कोई घर में सब्जी ना हो आप ऐसे बना के खा सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और चने की दाल तो सभी के घरों में रहती है और इसको हम बिना पानी के ही पीसेंगे, क्योंकि पानी इसमें हमें नहीं डालना है, क्योंकि हमें भाप में पकौड़ी बनानी है इसकी। इसमें ये दो हरी मिर्च डाल देंगे और 5-6 लहसुन की कलियाँ, इसी में पिस जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये हमने 3 प्याज ले लिया, 2 हरी मिर्च। देखिए दाल हमारी पिस चुकी है और कितना बढ़िया पेस्ट बना है, बिना पानी के ही हमने इसको पीसा है। अच्छे से निकाल लेते हैं, बिना पानी के पीसा इसीलिए चिपका हुआ है उसमें। 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए, धनिया पाउडर और ये अजवाइन। अजवाइन तो वैसे भी फायदेमंद है और बेसन की कोई भी चीज़ हो उसमें डालनी भी चाहिए, इससे डाइजेशन भी सही रहेगा। और इसको जितना अच्छा इसको फेंटेंगे फ्लफी बनेगा और पकौड़ी उतनी सॉफ्ट बनेगी। अच्छे से हमको इसको फेंटना है पकौड़ी, ताकि नरम रहे, हार्ड ना बने। और इधर हमने ये जाली वाला बर्तन ले लिया, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं ताकि इसमें मैं जब पकौड़ी रखूं तो नीचे लगे ना, नहीं तो लगने का डर रहता है। और इधर हमने पानी बॉयल कर लिया है, अच्छे से खूब बॉयल हो गया है। और इस पे एक एक पकौड़ी ऐसे रखते जाएंगे जितनी आएंगी, और अच्छे से हमको इनको बना लेना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। देखिए पकौड़ी बन गई है और इसको ढक देते हैं 6-7 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुका है और पकौड़ी का कलर भी चेंज हो गया है। और नाइफ ऐसे इसमें डालेंगे तो नाइफ क्लीन निकल रही है, कुछ भी लग नहीं रहा है। और एक पकौड़ी उठा के चेक करते हैं, देखिए हाथ में भी नहीं लग रही है, ये बनके तैयार हैं। और कलर भी कितना अच्छा आया है, इसको नीचे हमने उतार लिया है। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। जिन लोगों को ऑयल मना है या फिर डाइटिंग पे हैं तो वो लोग ऐसे बना के खा सकते हैं पकौड़ी भी। अगर वैसे पकौड़ी खानी है तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये 2-3 चिपकी हुई हैं आपस में, इनको छुटा देते हैं। देखिए बिल्कुल नहीं नीचे लगी हैं, ये कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई हैं, कलर भी अच्छा आया है। और कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाला है और इसी में बनाऊंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, 1 तेज़पत्ता, 1 हरी इलायची, 1 काली इलायची और 4-5 काली मिर्च हैं। खड़े मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। 1 चम्मच जीरा पाउडर, जीरा, 2 चुटकी हींग और ये 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। इसको भी, प्याज को भी हमें अच्छे से भूनना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्याज है पिसा हुआ, प्याज लहसुन मिर्च इसको भी डाल देते हैं, देखिए। और इसको भी हमें अच्छे से भूनना है। देखिए अब ये ऑयल भी रिलीज कर दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 कश्मीरी लाल मिर्च है और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। और इनको हम ऐसे पका लेंगे, जितना अच्छा मसाला रहेगा उतना सब्जी खाने में टेस्टी लगेगी। सबसे अच्छा तो ये है कि ये ऑयल फ्री है, नहीं तो पकौड़ी आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा सही है। देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं, तेल भी रिलीज हो रहा है मसालों से। और अब इसमें जो हमने पकौड़ी बना के रखी है वो डालते हैं। ये हम पकौड़ी डाल देंगे सब इसमें और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे भी आप खा सकते हैं, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है।
और ये जो हमने मिक्सी के जार से पानी धुल के रखा था इसमें भी बेसन का थोड़ा वो है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। हमने फेंका नहीं है, उसी को डाला है और इसको मिक्स कर देते हैं और एक लीड लगा के कवर कर देंगे 6-7 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुका है और सब्जी अच्छे से बन गई है। ये अभी इसमें वो दिख रहा है, लेकिन ये पानी बहुत सोक करती है सब्जी। और अब इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। सब्जी हमारी बन चुकी है, खाने में बहुत ही अब अच्छी लगेगी। आप चावल के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, कढ़ी से कम नहीं है ये। चलिए एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार है, आप लोग भी बनाइए खाइए।